हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। क्लास एट्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस चैप्टर्स को आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप देखें इससे कुछ रिलेटेड कंसेप्ट। पहले स्क्वायर नंबर, व्हाट इज द स्क्वायर नंबर। इफ ए नेचुरल नंबर एम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन स्क्वायर वेयर एन इज आल्सो ए नेचुरल नंबर, देन एम इज ए स्क्वायर नंबर। एम यहाँ आपका स्क्वायर नंबर होगा और एन आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट्स होगा। कुछ इनकी स्क्वायर नंबर्स का जब स्क्वायर किसी नंबर्स का स्क्वायर करेंगे उसके एंड में केवल जीरो, वन, फोर, फाइव, सिक्स और नाइन एट यूनिट प्लेस पर इन डिजिट के अलावा और कोई भी नंबर्स नहीं आएगा। ठीक है, कौन कौन नंबर्स नहीं आएंगे? थ्री, टू, थ्री, सेवन, एट। आप देख रहे हैं कि इसमें आपके नंबर्स नहीं हैं। वो अगर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। ये एक प्रॉपर्टी, केवल मतलब जीरो, अगर जैसे टेन का स्क्वायर करेंगे हंड्रेड हुआ तो हंड्रेड में जीरो तभी आएगा, ये जीरो जीरो पर ही आएगा। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, इसका इनवर्स है। ठीक है, देयर आर टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई इसका स्क्वायर रूट्स है तो वो इंटीग्रल उसका, अगर जैसे मतलब मान लीजिए फोर नंबर्स का स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं तो फोर का स्क्वायर रूट्स प्लस फोर प्लस टू भी होगा और प्लस माइनस टू भी होगा। तो माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका फोर होगा, प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तब भी फोर होगा। बट अगर आप ध्यान दें इसमें, यानी कोई यदि आपका निगेटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर रूट्स हम नहीं निकाल सकते। पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाई द सिंबल अंडर ए, दिस साइन से, ये अंडर रूट इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्री का स्क्वायर नाइन गिव्स अंडर रूट थ्री इक्वल अंडर रूट नाइन इक्वल थ्री, ये आपका नंबर है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ ध्यान देना है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, यानी दो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। कंसीडर जैसे सेवन स्क्वायर एंड सिक्स स्क्वायर, कैन यू से हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन सिक्स स्क्वायर एंड सेवन स्क्वायर। इसके लिए अब आप एक फार्मूला, इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना है, याद रखना है। कोई नंबर n आपने पाला, नेचुरल नंबर n चूज किया तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर n प्लस वन होगा। देन इनका स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एन प्लस वन का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि एन स्क्वायर और एन प्लस वन का स्क्वायर के बीच में, इनके बीच में नंबर्स लिखना है तो वो 2n होगा। अगर इसमें हमने 2n प्लस 1 लिया तो निश्चित है n स्क्वायर या n प्लस 1 स्क्वायर में से एक कोई नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए इनके बीच, इनका जो ये बीच में नंबर लिखना है तो 2n यानी 2n प्लस 1 में से एक कम कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग निकाल लिए। आइए अब आपका आगे और एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ उसी कंसेप्ट को लेकर के। ध्यान देना है,
एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप ध्यान में रखना है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो जैसे ऑड नंबर्स है ऑड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर्स आएगा, इवन नंबर है इवन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। और जैसे इसमें और आप ध्यान देना है कि जीरो का स्क्वायर करते हैं तो जीरो डिजिट होती है, वन का स्क्वायर करते हैं तो वन आता है, टू का स्क्वायर करते हैं तो फोर आएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, इस तरीके से आप आएंगे। तो आप ध्यान दो, इसमें हमने दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किया है, शेष आप लोग सॉल्व करोगे। जैसे फर्स्ट नंबर से 81, इसके यूनिट कंटेंस इट्स यूनिट प्लेस डिजिट वन, तो इसका स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो वन ही होता है, यानी इसका हेंस इतने के अगर 81 का स्क्वायर किया जाए तो उसके यूनिट प्लेस पर वन ही आएगा। इसी तरीके से द नंबर 272 कंटेंस यूनिट प्लेस डिजिट टू है, सो स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, यानी इसका स्क्वायर अगर टू का करते हैं तो फोर होगा, हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 272 इज फोर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ थ्री है, यूनिट प्लेस पर थ्री डिजिट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके इसका स्क्वायर नाइन हुआ, तो यानी यूनिट इसके इस नंबर्स के स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यूनिट प्लेस पर नाइन होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। पहले ये नहीं है कि इसमें सारे नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं, लेकिन पहले दृष्टिकोण में देखने पर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। केवल ऑब्वियसली ये नहीं है कि ऑब्वियसली अगर है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो या ना हो। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने फर्स्ट लिया 1057, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर सेवन यूनिट प्लेस पर सेवन आया है, तो इसके पहले भी हमने देखा था कोई भी नंबर्स अगर परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर या तो जीरो आएगा, वन आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा या नाइन आएगा, इन्हीं में से कोई नंबर होगा तभी वो होगा। लेकिन आप देखें इसमें यूनिट प्लेस आपका सेवन है, तो सेवन जब आपका ये है तो इसमें निश्चित रूप से आप ध्यान दो कि ये इसका जो है स्क्वायर करने पर ये नंबर्स आपका नहीं है, तो इसलिए ये ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर सेवन है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आप देखें 2, 3, 4, 5, 3 ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस पर 3 आया है, और 3 कभी भी किसी नंबर्स का स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस पर 3 नहीं आएगा। इसी तरीके से आप देखें 7, 9, 2, 8 है, यहाँ 8 आया है यूनिट प्लेस पर, इसमें भी ये किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर आपका नंबर 8 नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, करा दी स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इसमें आपको पहुंचना है, पहचानना है कि इसमें ऑड नंबर्स स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, यानी आप जैसे ये नंबर ले लें 4, 3, 1, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर 1 is 1 and square of 1, therefore this square of this number would be an odd numbers। इस numbers का यदि square हम करेंगे तो उसका जो square होगा वो भी odd numbers होगा। इसी तरीके से अगर इसके unit place पर even number है तो अगर इस numbers का square करेंगे तो ये क्या होगा, even number होगा जो odd numbers नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें आप देखें कि अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे
तो इसका स्क्वायर यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 यानी यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, वो भी नंबर आपका क्या होगा, ऑड नंबर्स होगा। इसी तरीके से इसके बारे में ये 82004 के बारे में आप खुद सोचें। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इस पैटर्न को देखना है और पहचानना है। जैसे फर्स्ट आपका है 11 स्क्वायर इक्वल 121, फिर उसके बाद 101 का स्क्वायर 10201, फिर 1001 का स्क्वायर 1002, फिर 001। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई जीरो नहीं था, तो 121 हमने डायरेक्ट लिखा। इसमें एक जीरो है, तो 12 के पहले भी एक जीरो और 2 के बाद भी एक जीरो अप्लाई करना है। इसी तरीके से इसमें दो जीरो हैं, तो यहाँ दो जीरो अप्लाई किया, यहाँ भी दो जीरो, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि इसमें यहाँ कितने हैं, चार जीरो, तो इसके इस 2 के पहले भी कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए, और इसके बाद भी 40 होने चाहिए। तो उस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि इसका आंसर ये हुआ। अब इसी तरीके से इसको आप खुद लिखो, ठीक है, जिसका यहाँ आंसर मैं लिख दिया हूँ, लेकिन इसको आप बिना देखे हुए पहले खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पैटर्न का है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये नंबर्स आपको पहचानने हैं। ये पैटर्न दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर। ऐसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल ये 7 स्क्वायर। अब इस पैटर्न को समझते हुए अगर आप ध्यान दें तो इसमें जैसे लिखा हुआ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 2 3 जा 6, यहाँ 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करोगे। अब इससे एक कंसेक्यूटिव यानी इसके आगे वाले नंबर्स को आप लोगे, यानी जैसे 6 में एक ऐड कर दोगे 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। यानी आप इसको अगर जोड़ करके देखोगी, ऐड करके 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल 7 स्क्वायर होगा। इसी पैटर्न पर यहाँ आपको इसको फिलअप करना है, जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ 21 अगला एक बड़ा नंबर है, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ आप देखिए 5 का स्क्वायर, और यहाँ कौन सा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर करें, और यहाँ 30 लिखा है। तो ये आप ध्यान दें कि यहाँ जो नंबर है और इसका मल्टीप्लाई ही ये 30 है, तो इस 30 को आप क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे इसमें आप ध्यान दें कि इधर देखें 6 स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ से आपको राइट साइड से देखना होगा, 43 लिखा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 31 है, यहाँ 30 हो गया, तो यहाँ एक और कम कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर ये कैसे मिला, 42 ये कहाँ से मिलेगा, जैसे ऊपर अभी हमने देखा दिस नंबर एंड दिस नंबर का प्रोडक्ट ये 42 है, तो इस नंबर्स को फाइंड करने के लिए 42 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, इनका सम बताना है। अब आप देखें कोई भी ऑड नंबर्स है, अगर यदि उसका हम सम करते हैं तो उनका सम जितनी टाइम्स ये ऑड नंबर्स को ऐड किया गया है, अब आप देखें जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यानी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 का स्क्वायर होगा, इनका सम कितना हो जाएगा, ये 25।
ऐसे इसी इसको भी आप ध्यान दे करके काउंट करके देख लें, जैसे कितने हैं, कंटिन्यूअस होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, इनको 100, इसका सम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बहुत इजीली हम इस तरीके से ये कर सकते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। इसी तरीके से इनके उल्टे आपको रिवर्स करना है, यानी उल्टा, ठीक है। तो जैसे 49 को कॉन्टीन्यूअस में आप लिखना है, 49 को 7 टाइम्स में आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इनको सबको यानी 7 बार में ये लिख दिया। ऐसे 121 को 11 टाइम्स 11 नंबर्स में, तो आप कैसे लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये आप लिखेंगे इसको, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर नाइन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 12, 13, 25, 26, इसमें इनके स्क्वायर में, इनका स्क्वायर करने की बाद जो उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे उनको आपको देखना है। तो जैसे ये हमने फार्मूला बताया था, देखा हूँ आगे, ठीक है, एन स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर के बीच में 2n होंगे। ऐसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन में n इक्वल कितना है, 12, तो 12 का सीधे ट्वाइस कर दो, कितने आ जाएंगे, 24। अब आप देख सकते हो कि बड़ा नंबर इसमें 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और -1, यानी इसको सिंपलीफाई किए तभी 24 ही आया। तो इस तरीके से इसमें और सारे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर्स एन स्क्वायर इतना आर टू एन, नॉन परफेक्ट, उनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही नंबर्स आएंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऐसे आप जो है और इनके रिमेन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सारी एक्सरसाइज को आप फिर से एक बार स्वतः सेल्फ सॉल्व करेंगे आज जो है, बस इतना, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल के लिए। आज 5 अप्रैल है, रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह के अनुसार हम सभी लोग आज जिनके घरों में कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना पीड़ित से उनकी मृत्यु हो गई है, उनके घरों में अंधेरा है, और साथ में कोरोना फाइटर्स के लिए आज हम लोग 9 बजे 9 मिनट तक प्रकाश यानी दीपक जलाएंगे, और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप लोग भी दीपक जलाएं। थैंक्स।